मैं जो है हमारे दस्तगीर साहब भी हैं, रियासत नगर में रहते बेहतरीन लेडीज़ टेलर हैं और ड्राइवर भी है। कुछ अरसे के लिए दुबई भी गए थे, काम किए, लेकिन वहाँ पर नहीं जमा तो वापस आ गए। तो लॉकडाउन और ये फ्लड्स के बाद से मुसलसिल परेशान थे, तो मेरे पास आए थे, बोले कि भाई हम बहुत परेशान हैं, मकान का किराया वगैरह देना है। तो मैं उनको मशवरा दिया कि आप कारोबार स्टार्ट करिए, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया। मैं हमारे दस्तगीर साहब की अपील के लिए सोशल मीडिया पे डाला था, तो अल्लाह और उसके हबीब ने इनका इंतज़ाम किया, साहिब खैर हजरत ने इनकी मदद की। तो तकरीबन जो है 75,000 रुपये ये नई मशीन लाए बेचारे, जिस तकरीबन 22-28,000 रुपये की ये नई मशीन है, काउंटर है, तकरीबन 7-8,000 रुपये का एक काउंटर है। मलगी का एडवांस और मलगी इन्हों अपनी तरफ से कर लिए। सामान मटेरियल जो है ये एक मशीन है, वो एक मशीन है, और अभी मैं समझता हूँ कि अभी और एक दो मशीन आने का है। तो इनका मुतालबा था कि इनको 75,000 रुपये की मदद की जाए, अल्लाह इंतज़ाम किया, अभी और दो मशीन लाने का है इनको भी। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि जैसे ही इनका अपील डाले हम, तो इनको ऑर्डर भी आना चालू हो गए। बेहतरीन लेडीज़ टेलर है और बेहतरीन काम करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि छोटे छोटे कारोबार लगा कर देना। लोग मेरे पास आ रहे हैं कि भाई हमें हमारी मदद करिए, हम एक महीना पैसे देते फिर दूसरे महीने में आ जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा होना। मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी कि अपने महल्ले में घर से जब आप बाहर निकलते तो सबसे पहले वहाँ देखिए कि सामने की जो किराने की दुकान है, जो तरकारी वाली है, जो आपके दही दूध की दुकान है, तो क्या ये लोग सही है या नहीं है, इनका घर कैसा चल रहा। अपने घर से जब बाहर निकलते तो एक जाम की बंडी रहती या बेर की गेंगुल की बंडी रहती, जो बंडी वाले की ज़िंदगी कैसी गुजर रही, कि क्या वो बंडी उसकी जाती है या छोटे छोटे कारोबार 20,000-25,000 में अगर आप किसी को कारोबार लगा कर देते हैं, तो एक आदमी कारोबार करने से 5 आदमी पलते हैं। अब हमारे दस्तगीर मियाँ के तकरीबन 3 कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे, एक बच्ची है, उनको 3 बेटे हैं। तो मैं जो है ये लड़की के हाथ से इफ्तिताह करवाया इस दुकान का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे छोटे कारोबार लगाने के लिए अगर कोई मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनको बराबर मदद करूँगा। क्योंकि एक आदमी जब कारोबार करता है तो 5 आदमी पलते हैं उसके, और अगर जैसा लॉकडाउन में कई लोगों के जो है ऑटो तबाह हो गए, बारिश के पानी में बह गए ऑटोस, तो कई लोग आ रहे हैं कि भाई ऑटो रिपेयर करवाइए। तो और एक चीज़ ये है कि कई लोग जो स्विगी और जो ये जो टू व्हीलर टैक्सी राइडर्स हैं, ये लोग भी मेरे पास आ रहे हैं कि भाई हम फाइनेंस नहीं बने, गाड़ी हमारी सीज हो गई, लॉकडाउन के 3 महीने या फ्लड्स के 2 महीने 5 महीने हम फाइनेंस पे गाड़ी लिए थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी स्विगी के, जितने भी ये टू व्हीलर जो रैपिडो जिसको बोलते हैं, तो उनकी भी आप मदद करिए। जो साहिब खैर हजरात है, बजाय मैं तो ये नहीं कहता कि कई ऐसे मामलात मेरे सामने आ रहे हैं जो बड़े बड़े तंजीमा हैं, ये लोग जो है ज़कात के चंदा ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, लेकिन एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिसर्स में हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं कई तंजीमों के लिए उनको रिफ़र करता हूँ, तो बड़ा मायूसकुन उनकी रिपोर्ट रहती कि उनके साथ बदतमीजी हो रही, उनको झुड़कियाँ देके चला दे रहे हैं। तो मैं कोई भी तंजीम के लिए किसी को भेजना छोड़ दिया, मैं खुद मैं जो है उनका डिटेल लेकर, जैसा किडनी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं, तो अल्लाह इंतज़ाम मजा बना रहा। हाल ही में एक किडनी पेशेंट को किसी ने 71,000 रुपीज़ भेजा, एक कैंसर पेशेंट को 70,000 रुपये भेजे। लोग देने के लिए राज़ी है, लोग मदद करने के लिए राज़ी है, हमको सही रास्ता बताना चाहिए, बजाय अपना अकाउंट नंबर, अपना तंजीम का नाम डाल के अपन पैसे जमा करके उनको देना, उससे बेहतर यह है कि डायरेक्ट दीजिए आप।
डायरेक्ट अगर कोई आदमी अपना अकाउंट नंबर दे रहा है तहकीकात करिए उसके ऊपर भी। ऐसा नहीं कि मैं भी अगर कोई केस सोशल मीडिया पे डालता हूँ मेरे नाम के साथ या मेरे बयान के साथ, तो चार मरतबा पांच मरतबा हम तहकीकात करते। अल्लाह ताला ने बहुत लोगों की मेरे ज़रिए से उनका काम करवा दिया। कई लड़कियों के शादियाँ रुके हुए थे, लोग आए, मैं उनका डायरेक्ट अकाउंट नंबर डाला, एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपये उनके अकाउंट में आए। तो मैं पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो दस्तगीर साहब की मदद करे ख़ास तौर पे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि रमज़ान का इनको सीज़न मिल गया, डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको बहुत खुश है। आज इनकी दुकान बिस्मिल्लाह बोल के, आज जुमेरात का दिन है, आज दुकान चालू कर रहे हैं। तो मैं दस्तगीर के जैसे लोगों की आप मदद करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। महल्ले से जब आप घर से निकलते, आपके जेब में अगर एक 500 रुपये 1000 रुपये है, तो जो जाम की बंडी है, जो आइसक्रीम की बंडी है, या वो जो किराने की दुकान है, उसको एक 500 रुपये की आप मदद करिए। उसका घर कैसा चल रहा देखिए। वो महल्ले में जो आपका ऑटो ड्राइवर है, कई ऑटो ड्राइवर्स आ रहे हैं जो स्कूल की रातब करते थे, देखिए बच्चों को स्कूलों को लेके जाते थे, तो कई दिन से स्कूल नहीं चल रहा, पेरेंट्स बच्चे नहीं जा रहे बल्कि उनको पैसे नहीं दे रहे, तो कई ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं इसके अंदर। कर्जों में, कर्जों से बच, यानी सूदखार से बचाइए। आपका अगर कारोबार लगा के देंगे, ये लोग सूदखारों के लिए नहीं जाएंगे। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद में जितने भी लोग मेरे ये पोस्ट देखकर ताउन करते हैं उनका शुक्रिया, और ख़ास तौर पर दस्तगीर साहब के मामले में जिन्होंने मदद की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जो भी लोग मदद की है उनको इस वबा के, इस बीमारी से दूर रखे, उनके अहलो अयाल को अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, और उनके माँ बाप का साया उनके ऊपर कायम रखे। मैं दस्तगीर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी शुक्रिया अदा करें। बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है बहुत परेशान था, अल्लाह के फजल से हजरतुल्लाह खान साहब की तरफ से मेरे को मदद मिली, जिसकी तरफ से मैं ये दुकान डाला। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अल्लाह।